हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। कोई सेट है उसके डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, इक्वलिटी ऑफ टू सेट, टू सेट इक्वल कब होते हैं? टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। यानी अगर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट सॉरी सेट ए का हर एलिमेंट बी में हो एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, यानी हर एलिमेंट बी का ए में हो, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे ए जो सेट ए है वो बी के बराबर है। आई सेट ए बराबर बी इफ, जो मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में दे सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू बी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द एक्सियम ऑफ आइडेंटिटी। अब फिर से पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट टू ईच अदर इफ देयर एग्जिस्ट अ वन टू वन करस्पोंडेंस। यानी दो सेट इक्वल नहीं होंगे पर इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि उनके बीच में वन टू वन करस्पोंडेंस मिल जाए। जैसे हम यहाँ वन वन का ए से देते हैं, टू का बी से, थ्री का सी से, फोर का डी से, तो वन टू वन करस्पोंडेंस इसके मिल गया है फ्रेंड्स। तो ये सेट जो होंगे ये होंगे हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो फ्रेंड्स ये क्लियर है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये नहीं है कि वो सेट इक्वल है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स दोनों में सेम है और नंबर ऑफ मेंबर सेम है लेकिन जो मेंबर हैं वो अलग अलग हैं और साथ ही उनमें वन वन टू वन करस्पॉन्डेंस वन टू वन रिलेशन है उसके बीच में। उसके बाद थर्ड आता है एम्प्टी सेट, वर्ड सेट और नल सेट। यानी कोई सेट एम्प्टी सेट कब कहलाता है? अगर कोई सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो, वो सेट ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो वो एम्प्टी सेट कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया है एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर टू होता है, तो ये सेट जो होगा एम्प्टी सेट होगा। इस तरह सिंगलटन सेट, इफ एनी सेट हैव ओनली वन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। यानी कोई सेट हो अगर उसमें केवल एक ही एलिमेंट हो तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि जो एलिमेंट जो सेट है वो सिंगलटन सेट है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिंपली हम किसी एलिमेंट जीरो दे दें यहाँ पे या एक्स बराबर स्क्वायर को हटा दें, इसी में हम अगर स्क्वायर को हटा दें तो एक्स सच दैट एक्स बराबर टू, तो इसका जो सिंगलटन सेट ऑन एन बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ में स्क्वायर को हमने हटा दिया तो इसका जो सेट में जो मेंबर था ओनली टू है। उसके बाद आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? इफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव इन अ सेट आर फाइनाइट। यानी किसी सेट में नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हमारे मेंबर यानी जितने कितने मेंबर हैं वो अगर फाइनाइट हैं तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है फाइनाइट सेट है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। उसके बाद आता है फ्रेंड्स सबसेट। सबसेट क्या होता है फ्रेंड्स? इफ ए एंड बी आर टू सेट देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। इफ फोर एक्स बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी इट इज रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी। फ्रेंड्स यानी इसका मतलब ये हुआ अगर बी जो ये होगा बी का सबसेट अगर ए का हर एलिमेंट बी में एग्जिस्ट करता हो, यानी ए का हर एलिमेंट हमें बी में मिल जाएगा, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो है बी का सबसेट है। नोट यहाँ पे नोट है हमारे पास, सेट ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। यानी कि फ्रेंड्स ये सेट जो सेट ए होगा वो प्रॉपर सेट होगा बी का अगर ये जो है सबसेट ऑफ बी का तो हो लेकिन ए इक्वल नॉट बी हो, या फिर हम कह सकते हैं फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी बट फोर सम वाई बिलोंग्स टू बी, यानी वाई में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि ए में एलिमेंट नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये सेट जो है प्रॉपर सबसेट है। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है फ्रेंड्स? सेट विच कंटेन ऑल अदर सेट कॉल्ड यूनिवर्सल सेट सबसेट। यानी ऐसा सेट जो हर सेट को कंटेन करता हो जो वो कहलाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट। उसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है फ्रेंड्स? द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट। यानी कि जो एक सेट है हमारे पास ए, अगर उसके जो भी हमारे पास सबसेट होते हैं उनका हमें एक अलग से सेट बना देते हैं तो उसको कहेंगे कि पावर सेट। जैसे हमारे पास एग्जांपल लिया है एक सेट है एक दो तीन, अब इसके सबसेट क्या हो सकते हैं? फाइव हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, वन टू हो सकता है, वन थ्री हो सकता है, टू थ्री हो सकता है, वन टू थ्री हो सकता है। अब इन सभी को हमने एक अलग से सेट बना दिया तो इसको हम कहेंगे पावर सेट। और फिर से एक नोट है हमारे पास, जो नंबर ऑफ
एलिमेंट इन द पावर सेट, किसी जो पावर सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो 2 की पावर a, जहाँ पे ए जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, यानी अगर जैसे इसमें 3 सेट हैं, सॉरी इसमें 3 एलिमेंट है, तो पावर सेट में 8 एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3, यानी 8 एलिमेंट होंगे। अगर 4 होता है तो 2 की पावर 4, यानी 16 होते हैं। और अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होते हैं, तो नॉन एम्प्टी सबसेट एक पावर सेट में नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी 5 को हटा देते हैं फ्रेंड्स, उस कंडीशन में 2 की पावर n-1, 2 की पावर n, उसमें से हमें -1 करना होता है, और वो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एनी सेट आ जाता है।